निश्चित तौर पर पाकिस्तान भारत से पंगा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मगर अक्सर पाकिस्तान फेल भी हो जाता है और फिर करता है वो सबसे बड़ी गलती। मामला कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने विवादित नक्शे को मंजूरी दी है। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पीओके को अपना हिस्सा बताता था, लेकिन अब नए नक्शे में कश्मीर को शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने नए नक्शे से लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोक डाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। विवादित नक्शे को मंजूरी इमरान खान की कैबिनेट में मिली। कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने भी ऐसा ही कारनामा किया है, तो कुछ यूं कहें कि पाकिस्तान नेपाल के पीछे पीछे चल पड़ा है।